हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक पर फिर से आपके साथ डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। टॉपिक यूजीसी नेट के पेपर सेकंड समाज कार्य से संबंधित है, और समाज कार्य में ये व्यक्तिगत समाज कार्य यानी सोशल केज वर्क के अंतर्गत आता है। टॉपिक का नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। ये टॉपिक सोशल वर्क के यूजीसी नेट के सिलेबस में यूनिट 2-3 के अंतर्गत जो है आता है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे विल्सन और आयरलैंड द्वारा बताए गए डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षा युक्तियों को, ठीक है, और भी महत्वपूर्ण बातें इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम आज जो है इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करने से पहले ये बता दूं कि ये चैनल हमारा यूजीसी नेट समाज कार्य और पेपर फर्स्ट से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो कि यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। साथ ही अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये चैनल उपयोगी होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। रक्षा युक्तियाँ, जैसा कि इसमें बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, और जन्म से लेकर जब तक उसका जीवन रहता है व्यक्ति स्वीकृत या मिशने की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है, और इनके पूरा न होने पर वंचन और क्रोध आता है। साधारण सी बात है, जब हमारी कोई इच्छा होती है, हमारी कोई जो है ऐसी कामना होती है, जब वो पूरी नहीं होती है किसी कारणवश, तो एक क्रोध जो है स्वतः उत्पन्न होता है। व्यक्ति अपनी इन वंचन और क्रोध की भावनाओं पर काबू पाने का प्रयास भी करता है। जब तक वो अपनी इन भावनाओं पर जो है इन भावनाओं का प्रकटन नहीं कर पाता है, वो कठिनाई में रहता है। वो समाज में रहता हुआ जानता है कि क्रोध एक स्वीकृत व्यवहार नहीं है। यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण हैं। किसी बात के को लेकर यदि आप क्रोधित हैं, तो जब तक उस क्रोध की भावनाओं को आप किसी तरीके से जब तक उसका जो है समाधान नहीं कर लेंगे, तब तक आप जो है एक जो है आपके मन में अजीब सी भावनाएं आती रहेंगी, ठीक है, कठिन सी भावनाएं आती रहेंगी। और जब आप उस क्रोध की भावना का निस्तारण कर लेंगे, समाधान कर लेंगे, तो आप जो है पहले से बेहतर महसूस करें। यहाँ पर क्या बताया गया है कि क्रोध एक स्वीकृत व्यवहार नहीं है। बिल्कुल, क्रोध एक स्वीकृत व्यवहार नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, तो हमको उस सिचुएशन को कैसे भी करके मैनेज करना होता है, ठीक है। समाज कार्य में वो बातें बताई गई हैं व्यक्तिगत समाज कार्य के अंतर्गत, जिन्हें रक्षा युक्तियाँ कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अतः वो अपने क्रोध के विषय में दोष की भावनाओं से ग्रसित हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ ही हो रहा है ऐसा, और विभिन्न प्रकार की बातें उसके अंतर्गत आती हैं मन में, और वो जो है इस क्रोध के विषय में जो दोष होते हैं उनकी भावनाओं से ग्रसित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। फिर एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी ऐसी भावनाओं को ऐसे तरीके से सुलझा लेता है जो उसके अन्य जो उसके या अन्य व्यक्तियों के लिए हानिकारक नहीं होते, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वो क्या करता है कि अपनी, ठीक है, अपनी इन जो उसकी ये भावनाएं हैं, उसकी ये जो समस्याएं हैं, उनको ऐसे तरीके से सुलझा लेता है जो उसके या अन्य व्यक्तियों के लिए हानिकारक नहीं होते, ठीक है। इन्हीं समाधानों को उस व्यक्ति की रक्षा युक्तियां कहा जाता है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। इसके बाद हम आइए देखते हैं कि विल्सन एवं आयरलैंड ने इसके बारे में क्या बताया है। विल्सन एवं आयरलैंड ने व्यक्ति द्वारा अपने वंचन और क्रोध की भावनाओं के समाधान के तरीकों का उल्लेख इस प्रकार करते हुए उन्हें व्यक्ति की रक्षा युक्तियाँ कहा है। विल्सन एवं आयरलैंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि समाज कार्य में बहुत अच्छा जो है योगदान इनका रहा है, और सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस नाम से इनकी एक पुस्तक भी है, और भी महत्वपूर्ण कार्य इनके समाज कार्य के क्षेत्र में रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन्होंने कौन सी युक्तियाँ बताई हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो युक्ति बताई है वो युक्ति है
शमन या दमन, इंग्लिश में से सप्रेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति दुखद और अप्रिय भावनाओं को दिमाग से बाहर निकाल फेंकने का प्रयास करता है, और ये प्रश्न समाजकार के पेपर में पूछा जा चुका है। इसको स्टार बना लेना, ठीक है। क्या होता है सप्रेशन में? सप्रेशन में व्यक्ति अप्रिय भावनाओं को दिमाग से बाहर निकाल फेंकने का प्रयास करता है, दुखद और अप्रिय भावनाओं को, या उसे भूल जाने की कोशिश करता है, तो इसे ही सप्रेशन या दमन या शमन कहते हैं। दूसरी बात जो क्या है, दमन का दूसरे अर्थों में जो इसमें बताया गया है कि अचेतन का रक्षात्मक प्रयास होता है, जिसमें व्यक्ति दुखद घटना को बिना जागरूकता के अपने भीतरी मानस पटल में रख लेता है, ठीक है। वो अपनी ऐसी दुखद घटनाओं को अपने मन में बिना किसी जागरूकता के जो है रख लेता है, और उससे जो है वो प्रभावित नहीं होता। इसके बाद जो इसमें तीसरी बात बताई गई है, उदात्तीकरण यानी सब्लिमेशन, जो ऐसा चेतन नियंत्रण और चित्त स्थापन युक्तिकरण और प्रतिपूरक क्रियातंत्र युक्ति होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अस्वीकृत इच्छाओं को अपनी संतुष्टि के लिए स्वीकृत साधनों द्वारा व्यक्त कर लेता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है कि अपनी अस्वीकृत इच्छाओं को संतुष्टि के लिए स्वीकृत साधनों द्वारा व्यक्त कर लेता है। तो यहाँ पर ये समझना, ठीक है, तो जो है साधनों द्वारा व्यक्त कर लेता है। इसके बाद हम जो ये देखते हैं कि अगले रक्षा युक्ति क्या है, तो अगली रक्षा युक्ति जो इसमें बताई गई है वो है प्रतीकीकरण यानी सिम्बोलाइजेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज द्वारा कम स्वीकृत इच्छाओं की संवेगात्मक संतुष्टि अन्य माध्यम से पूरी करने का प्रयास करता है, जैसे चित्रकारी, मृत्तिका प्रतिरूपण, नाट्यकला, संगीत वादन, नृत्य आदि। बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो समाज में कम स्वीकृत होती हैं, तो उनकी भी जो है संतुष्टि, अब संवेगात्मक संतुष्टि के लिए अन्य माध्यमों द्वारा उनको भी जो है प्रतीकीकरण के माध्यम से पूरी करने का प्रयास किया जाता है। जैसे इस समय बिहारी जी का एक दोहा याद आ रहा है कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करते हैं नयन नहीं सब बात। तो ये भी सिम्बोलाइजेशन का उदाहरण है। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट हमारा टॉप पॉइंट है वो है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है आइए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट जिसमें व्यक्ति मूल दुखद भावनाओं के स्रोत की अपेक्षा किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के प्रति अपनी शत्रुता को निर्देशित करता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक महत्वपूर्ण जो है युक्ति है, और यह भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों पर आरोपित करने लगता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति है, और परीक्षा में जो भी युक्तियाँ मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ये किसी न किसी बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। इसके बाद जब आप प्रिय सुर उठा के देखेंगे तो आपको जो है आराम से मिल जाएगा। अगली जो युक्ति है तदात्मीकरण या जो है आत्मीकरण। इस युक्ति में क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं और विचारों के गुणों को अपने में ग्रहण करने लगता है, ठीक है। तदात्मीकरण या आत्मीकरण, ठीक है, आत्मसात कर लेना। तो ये युक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये बताया गया है कि व्यक्तियों वस्तुओं और विचारों के गुणों को अपने में ग्रहण कर लेना, ठीक है। तो ये जितनी भी युक्तियाँ इसमें जो है इस पर डिस्कस की है मैंने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपयुक्त कुछ या सभी विधियों के मिश्रण से व्यक्ति अपने पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने का प्रयास करता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब वो दुखद, अप्रिय या कठिन समय से गुजरता है। इसके अलावा किसी बात को लेकर क्रोधित हो जाना और इस तरह की जो है सिचुएशन बनती रहती है। उपरोक्त समय में व्यक्ति अपनी रक्षा युक्तियों के माध्यम से कठिन समय का आसानी से सामना कर सकता है, ठीक है। तो ये जो भी रक्षा युक्तियाँ मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, सभी रक्षा युक्तियाँ अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और लगभग परीक्षाओं में पूछी गई हैं, और न केवल परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, और ये व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में भी उनका उनके समाधान करने में भी महत्वपूर्ण है, जिसे
यहाँ पर मैं बताता हूँ, दमन ये समन इसके अंतर्गत क्या करता है, व्यक्ति दुखद और अप्रिय घटनाएं। दुखद अप्रिय घटनाएं क्या हो सकती हैं, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, या कोई ऐसा कार्य जिसमें आप बहुत दिन से जो है उसे करने का प्रयास कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, पैसा भी खर्च हो रहा था, लेकिन उसका सही परिणाम नहीं मिला, आप दुखी हो गए। तो इस तरह की घटनाएं जो जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, तो उनसे लेकर जो समस्याएं क्रिएट होती हैं उनके उनको जो है दिमाग से, अप्रिय भावनाओं को दिमाग से बाहर निकालना, उनको बाहर कर देना या भूल जाने की कोशिश करना ही समन या दमन कहलाता है। ठीक है, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें उसके लिए भूल जाना ही बेहतर होता है। तो ये आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। और जब आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको इस क्लास की इम्पोर्टेंस का और भी अच्छे से जो है पता लगेगा। तो आज के लिए इस क्लास में हम यहीं तक रखेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप बने रहिए इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर, और अगर चैनल पसंद आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।